नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे सवैयों की एक सवैये की व्याख्या सहित शब्दार्थ और उसके प्रश्न उत्तर, क्योंकि आपको पद्य भाग और गद्य दो पैराग्राफ आते हैं पेपर में, उसे पद्य कहा जाता है। तो पद्य पद्यांश मीन कविता से लिया गया है और गद्यांश मीन गद्य से लिया गया है, कहानियों में या पाठ में से लिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं भावार्थ एवं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न सवैये। पहला सवैया, मानुष हाँ तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मान जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलिंदी कूल कदम किनारन। अब इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं तो उनका आपको पहले अर्थ बताती हूँ। मानुष मीन मनुष्य, मानुष क्या होता है, मनुष्य। बसों मीन बसेरा जहाँ हम रहते हैं, बसेरा करूँ। पशु मीन पशु, क्योंकि आपको पता है कि पहले के कवि इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी अपनी ही भाषा होती थी, तो बोलचाल की भाषा में ये लिखे गए हैं। पशु मीन पशु, मंजारन मीन मध्य में, पाहन मीन पत्थर, पाहन मंजारन मीन मध्य में, पाहन मीन पत्थर, और धेनु मीन गाय और पुरंदर मीन इंद्र, खग मीन पक्षी, कलिंदी मीन यमुना, कूल मीन किनारा और डारन मीन डालियों पर। अब इसका हम भावार्थ जान लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ अपने देखे। तो मानुष हाँ तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, हर दिशा में अपने आराध्य श्री कृष्ण का समीप्य पाने की, अमीन वो कृष्ण से मिलना चाहती हैं पाने की इच्छा से, कभी रसखान कहते हैं। हर दिशा में अपने आराध्य श्री कृष्ण का समीप्य पाने की इच्छा से कभी रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लूं, अगर मैं मनुष्य बनकर जन्म लूं तो मेरी उत्कृष्ट इच्छा है कि मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही। अब रसखान की क्या इच्छा है कि मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही, अर्थात एक ग्वाला बनकर निवास करूं। अब कृष्ण की लीलाओं को देखकर ऐसा उन्होंने कहा कि मैं एक जन्म लूं अगर मनुष्य के रूप में तो गोकुल में लूं, और उनमें से किसी गोपाले के रूप में तो मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही, अर्थात एक ग्वाला बनकर निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चेरों तित निंद की देनु मजारन, अगर यदि मैं पशु बनूं तो फिर मेरे वश में क्या हो है, अगर मैं पशु बनूं, रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पशु बनूं तो फिर मेरे वश में क्या है, अर्थात पशु योनि में जन्म लेने पर मेरा कोई वश नहीं है। बोलता है अगर मैं पशु बनकर आऊं तो उस पशु योनि में मेरा कोई वश नहीं चलता, फिर भी चाहता हूं कि मैं नंद की गायों के मध्य में, अगर मैं पशु बनकर आऊं तो मैं नंद की गायों के मध्य में चरने वाला एक पशु, अर्थात उनकी गाय बनकर जन्म लूं। ये कवि रसखान कह रहे हैं। पाहन हो तो वही गरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, अब अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लेता हूँ, मैं आपको आगे सही अर्थ ही बताती हूँ, यदि मैं पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने,
अगर यदि रस खान कभी कहता है कि अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूँ तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूँ जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से मीन दुराचार से उसके कष्टों से ब्रज की रक्षा करने के लिए शस्त्र की तरह हाथ में उठाया था। अब रस खान कभी जो कहते हैं कि मैं पहले पहले वो क्या कहते हैं कि मैं अगर मनुष्य बनकर आऊं तो उनका ग्वाला बनकर आऊं, अगर मैं पशु बनकर आऊं तो मैं नंद की गायों के रूप में आऊं, अगर अगर मैं पत्थर बनूं तो वो गोवर्धन पर्वत पर का पत्थर बने जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा करने के लिए शस्त्र की तरह हाथ में उठाया था या धारण किया था। यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के तट पर स्थित कदंब की डालियों पर बसेरा करने वाला पक्षी बनूं। ये सब कल्पनाएं किसने की हैं? कवि रस खान जी ने। अर्थात मैं हर योनि और हर जन्म में अपने आराध्य श्री कृष्ण और ब्रज भूमि का समीप्य चाहता हूँ और यही मेरी प्रभु से विनती है। और ये सारी बच्चों ये सारा जो कल्पना की है वो कवि रस खान ने की है। तो ये था उनकी पहली सवैये का भावार्थ सहित शब्दार्थ सहित व्याख्या। अब उनकी इस पैराग्राफ में से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। देख लेते हैं कि क्या प्रश्न बनते हैं। कवि रस खान अगले जन्म में ब्रज में क्या कर रहना चाहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं? कवि रस खान जो हैं अपने अगले जन्म में क्यों क्यों रहना ब्रज में क्यों ब्रज में ही क्यों रहना चाहते हैं? तो कवि रस खान परम वैष्णव एवं श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। रस खान किसके भक्त थे? वैष्णव विष्णु एवं श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, मीन प्यारे भक्त थे। वे अपने आराध्य श्री कृष्ण और उनकी लीला भूमि का समीपे पाने की उत्कृष्ट अभिलाषा रखते थे, मीन श्री कृष्ण तथा और उनकी लीलाओं का समीप्य पाने की उत्कृष्ट अभिलाषा रखते थे। इसी कारण उन्हें अगले जन्म में ब्रज में ही रहने की इच्छा व्यक्त की है। इसी कारण उन्होंने अगले जन्म में ब्रज में रहने की इच्छा व्यक्त की है। ये था पहला प्रश्न। नंबर दो, रस खान अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते हैं और क्यों? अब आपने व्याख्या अगर ध्यान से सुनी होगी तो छात्रों आपको ये प्रश्नों के उत्तर भी याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो एक बार फिर से आप वीडियो का पॉज करके रीप्ले करके आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। रस खान अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते हैं और क्यों? तो रस खान अगले जन्म में गाय गाय पशु मीन गाय के रूप में बनना चाहते हैं। नंद जी की गायों के बीच रहना चाहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि इसी बहाने उन्हें श्री कृष्ण का समीप्य मिलता रहे, क्योंकि गाय बनकर आना चाहते हैं। रस खान कभी जो है वह किस अगर पशु योनि में आना चाहे तो के कौन सा पशु बनकर आएंगे? गाय बनकर, जो कि नंद जी की गायों के बीच रहना चाहते हैं। अब प्रश्न नंबर तीन, प्रस्तुत सवैये से कबीर रस खान ने क्या व्यंजना की है? अब क्या व्यंजना की है प्रस्तुत सवैये में? तो प्रस्तुत सवैये से कबीर रस खान ने आराध्य श्री कृष्ण एवं ब्रज भूमि के प्रति अतिशय अनुराग एवं अनन्य भक्ति का की व्यंजना की है। प्रस्तुत सवैये में कवि ने रस खान ने अपना जो आराध्य है जिसकी पूजा वो श्री कृष्ण की करते हैं, ब्रज भूमि के प्रति अतिशय अनुराग एवं अनन्य भक्ति की व्यंजना की है। प्रश्न नंबर चार, हरि छत्र पुरंदर धारण से कवि ने किस कथा की ओर संकेत किया है? हरि छत्र पुरंदर धारण से कवि ने किस कथा की ओर संकेत किया है? इससे कवि ने इंद्र द्वारा ब्रज पर कोप करके मूसलाधार जल वर्षण क्या किया है? मूसलाधार जल वर्षण करना तथा श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के
गर्व को नष्ट करना, मीन इंद्र का जो अभिमान है उसको नष्ट करना इत्यादि कथा की ओर संकेत किया गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पहला सवैया जो है शब्दार्थ व्याख्या और प्रश्नों सहित पसंद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सवैये में।